हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। कौन है जो आपके बारे में इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है, दिन रात 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है, आपको फील कर रहा है, और क्यों, कौन है वो इंसान। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और आज की रीडिंग हम देखेंगे कलेक्टिव रीडिंग्स, हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू, कौन है जो आपके साथ ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपके बारे में दिन रात सोच रहा है, आपको दिन रात फील कर रहा है, लेकिन क्यों, क्या वजह है, कौन है पहले ये इंसान, पहले ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे क्यों क्यों ऑब्सेस हो रहा है ये इंसान आपके साथ। सो देख लेते हैं, आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। Who is obsessing over you? Three of Cups. Strength, Quwwat. फिर हमारे पास Seven of Coins, Six of Wands, and Ten of Coins. Okay, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो भी है लियो की एनर्जी इस इंसान के अंदर बहुत स्ट्रांग है। लियो एनर्जी हो सकती है, लियो मेल, लियो फीमेल, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान। फायर साइन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब जो आपके साथ ऑब्सेस हैं वो डेफिनेटली आपके, एक चीज़ यहाँ पे प्लाटोनिक नज़र आ रही है, रोमांटिक नज़र नहीं आ रही, दूसरी रोमांटिक वाली चीज़ भी है। थ्री ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स और फैमिली, ये लोग आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं, ये लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, या आपके पास्ट में ये वो लोग फ्रेंड्स रह चुके हैं, लेकिन अब शायद आप इनके साथ विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप इनके फ्रेंड्स नहीं हो आप मज़ीद, ये वो लोग हैं जिन जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हैं, इस तरह के लोग, वो आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में यू नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अब, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, आप या किसी के साथ भी, ये वो लोग हैं फ्रेंड्स और फैमिली जिनके साथ अब आपका कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, अब आप उनसे इतना बात नहीं करते या उतना मिलते जुलते नहीं, तो ये वो लोग हैं। और क्यों ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, या आप अपनी लाइफ में खुश हो, सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसा है, आपके पास आप अपनी फैमिली, बच्चों के साथ या अपनी सक्सेस के साथ खुश हो, और वो लोग डेफिनेटली उस चीज़ को मिस कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में ये चीज़ें शायद नहीं हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और ये भी हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो डेफिनेटली ऐसे लोग आपको देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको वहाँ पे नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको कि आप कितना आगे जा रहे हो, सक्सेस पा रहे हो, आपकी लाइफ बढ़ रही है, चेंज हो रही है, आपकी बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब इस तरह की अप टू डेट रखने के लिए ये इस तरह के लोग आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे काम करते हो, ठीक है, आप फेमस हो, पॉपुलर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, कहीं पे भी, सिक्स ऑफ वांड्स, ठीक है, तो आपके जो फैंस हैं, एडमायरर्स हैं, वो डेफिनेटली आपको, आपका सोल ट्राइब आप कह सकते हो, ये लोग आपको डेफिनेटली कनेक्टेड हैं आपके साथ और आपको देख रहे हैं, आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं, आपकी वीडियोज़ को देखना, या आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आप व्लॉगिंग करते हो, आप ट्रैवल व्लॉग्स करते हो, या वैसे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है डेली रूटीन में, वो देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो इस तरह के लोग भी आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं। अब मज़ीद देख लेते हैं कि और कौन है आपकी लाइफ में जो आपके साथ ऑब्सेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स और फैमिली नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर कन्फर्म करना है उसको पहले कि कौन है ये इंसान। Yes, we have a daughter of staff, ठीक है, और फिर हमारे पास है eight of coins and we have a eight of cups. आप हो सकता है eight number बहुत देख रहे हो, या three number, या आप बहुत देख रहे हो, तो इस जब आप ये number देख रहे हो तो इसका मतलब यही वो लोग हैं जो आपके बारे में देख रहे हैं, या आपके साथ obsessed हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, या specially कोई इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है। अच्छा, यहाँ पर है daughter of staff, तो ये जैसे मैंने आपसे कहा आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप अपने वर्क की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से पहचाने जाते हो, तो इस तरह के लोग आपको डेफिनेटली देख रहे हैं, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या कम्युनिटी के लोग हैं, या जो लोग आपको फॉलोअर्स करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के लोग भी देखना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मतलब क्या छुपा रहे हो आप, या आपकी लाइफ में आप किस तरह का काम कर रहे हो, तो वो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपकी सक्सेस को फॉलो करना चाहते हैं, और आप ही की तरह आप एक मोटिवेशन हो इन लोगों के लिए
चाहे अच्छे तरीके से उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया या नहीं किया, लेकिन वो अब आपको एक मोटिवेशन के तौर पे देख रहे हैं कि हम भी अपनी लाइफ को, हमें भी चेंज करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ऐसे लोगों को, ये आपके हेटर्स नहीं हो सकते, एडमायर, हेटर्स भी आपके एडमायरर्स ही होते हैं समटाइम, जो आपको हेट करते हैं या आपके साथ मतलब एडमायरर्स उनको यूँ कह लें कि सबकॉन्शियसली वे वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती है जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, कैपेबिलिटीज़ हैं, या जो आप स्किल जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो, या जो चीज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, ठीक है, वो तो अपना एक मिनट में आएंगे, बात करके चले जाएंगे, या उन्होंने कहना था कह दिया, बातें करनी थी कर ली, ठीक है, फैमिली फ्रेंड जो भी हैं, तो समहाउ वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, ये वो लोग हैं, चाहे वो आपके एडमायरर्स हैं, कुछ लोगों के लिए एडमायरर्स हैं आपके, लिटरली ये आपको एडमायर करते हैं और आपको डेफिनेटली स्ट्रांग देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी जर्नी पे कामयाब हो रहे हो, और इस वजह से ये लोग आपकी जर्नी के साथ, आपकी सक्सेस के साथ, आपके काम के साथ, आप जो स्किल है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आपका टैलेंट है उसके साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, और कुछ लोग ये आपके एडमायर हेटर्स हैं, क्योंकि उनके अंदर वो इतनी चीज़ वो टैलेंट है नहीं, तो वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो समहाउ वो आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या आपको कॉपी कर रहे हैं, इस तरह के लोग ये भी आपके साथ ऑब्सेस हो सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स इस तरह के लोग भी, ठीक है, वो भी आपको शायद ऑब्सेस हो सकते हैं आपके साथ। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद द एट ऑफ कप्स, कोई है जो आपके साथ ऑब्सेस्ड है और आप अब इस इंसान के साथ उस तरह से बात नहीं कर रहे, चाहे वो फैमिली का मेंबर है, फ्रेंड का मेंबर है, फ्रेंड था पहले आपका फ्रेंड था, अब आप यूज़ टू, आप उस तरह के फ्रेंड नहीं रहे, आप उस तरह के फैमिली मेंबर नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी में है, ठीक है, मतलब इस इंसान की ऑलरेडी फैमिली है, थर्ड पार्टी में है ये इंसान, आप हो सकता है इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं अटैच थे, एट ऑफ कप्स पास्ट वाली एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप इस इंसान से बात करते थे, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ स्टफ आ रहा है, आप इस इंसान को डेली देखते थे, मिलते थे, इस इंसान से बात करते थे, चाहे वो इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे है, या डेली रूटीन में है, वर्क वाली जगह भी हो सकती है, ठीक है, तो ये वो इंसान है जिससे अब आपने बातचीत बंद कर दी है, अब आपका इतना मिलना नहीं होता, देखना नहीं होता, या आपका इतना कांटेक्ट नहीं होता, या आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी है, और अब इस इंसान, ये इंसान डेफिनेटली वो इंसान है विद द एट ऑफ कप्स, हो सकता है ये इंसान आपसे कहीं दूर रहता है, किसी दूसरी जगह पे रहता है, दूसरी जगह पे है, दूसरे मुल्क में है, सिटी में है, इवन प्लेस पे है, तो आप डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में इमोशनल और फिज़िकल डिफरेंस हो सकता है, इमोशनल डिफरेंस मतलब बातचीत ख़त्म, वो उस तरह की बात नहीं रही, फिज़िकल डिफरेंस मतलब दूसरे जगह पे हो सकते हैं आप, तो ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, ये इंसान भी आपके साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड है, इवन दो ये इंसान एक थर्ड पार्टी में है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है अगर आप नहीं हो तो, वो इंसान किसी न किसी वर्क की वजह से जाना जाता है, लेकिन इवन ये इंसान अगर वर्क भी कर रहा है तो ये इंसान आपके बारे में सोचता है, इस इंसान को जो कनेक्शन आपके साथ था, क्योंकि इनर चाइल्ड इस इंसान का आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है, मतलब आप इस इंसान के फ्रेंड रहे होगे, लवर, पार्टनर, या ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ ये चाहता है कि ये सिलसिला जारी रहे, मतलब आप ख़त्म मत करो ये सब कुछ। तो अब देख लेते हैं कि ये लोग क्यों आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं। क्यों ऑब्सेस्ड हैं ये लोग आपके साथ? यस, टेन ऑफ वांड्स। सो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो इंसान है ये काफ़ी बर्डन फील कर रहा है, इस इंसान को लगता है कि कोई बात करने वाला नहीं है, उनको समझने वाला नहीं है, उनके काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, या और जैसे मैंने आपसे कहा अगर ये आपके हेटर्स हैं तो डेफिनेटली उनको लगता है कि उनकी लाइफ में बर्डन है, आपकी लाइफ में खुशियां हैं, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, तो समटाइम वो प्रोजेक्ट, मैंने आपसे जैसे कहा कोई अगर आपको हेट करता है तो वो पर्सनली तो आपको जानता है नहीं ऑब्वियसली, या अगर आपको पर्सनली जानते भी हैं और आपको हेट कर रहे हैं, समहाउ वो अंदर से खुद टायर्ड होते हैं, वो आपको अपनी जो उनके अंदर चीज़ें होती हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं जो उनके पास नहीं होता है, तो ये टेन ऑफ वांड्स वाली एनर्जी है, तो उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, आप खुश हो, सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ इजी है, ठीक है, तो ये वो लोग हैं, और अगर ये एडमायरर्स हैं आपके, या अगर आपके एडमायरर्स भी हैं तो ये डेफिनेटली देख रहे हैं कि आप इतना वर्क कैसे कर लेते हो, ये कैसे मैनेज कर लेते हो, और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपसे कहा थर्ड पार्टी वाला इंसान है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी बर्डन फील कर रहा है इस वक्त इंसान, मतलब इस इंसान को एक फ्रेंड की ज़रूरत है, आपके साथ बात हो जाती थी, या आपके साथ, या आप जिस तरह से मैसेज करते थे, आते थे, इस इंसान की लाइफ चेंज हो जाती थी, मतलब ये इंसान काफ़ी टायर्ड है, ये इंसान डेफिनेटली मिस कर रहा है वो एनर्जी जो आप दोनों के दरमियान में जो भी बॉन्ड था, जिस तरह का भी बॉन्ड था, ये इंसान मिस कर रहा है वो चीज़,
यस लुक एट हिस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स. सो इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन, कुछ लोगों के लिए इंसान हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है इवन दो थर्ड पार्टी में है ये इंसान, लेकिन इस इंसान को लगता है कि जो कनेक्शन आपके साथ है वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता. हो सकता है ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ये सैड है इंसान, लड़की या लड़का जो भी है, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है कि ये नहीं कर सकते आपसे. ईगो हो सकती है शायद इस इंसान की, ईगो या प्राइड हो सकता है, या इस इंसान की फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ना कुछ है, या फिज़िकल या यू नो इमोशनल डिफरेंस आप दोनों के दरमियान में बढ़ चुका है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है. या कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आइडिया भी नहीं है कि आप भी उनको लाइक करते हो, आप उनको कैसा जवाब दोगे, आप उनका दिल तोड़ सकते हो, आप उनको हर्ट कर सकते हो. डांसिंग से कुछ चीज़ हो सकता है ये इंसान डांसर है या आप. नाइन ऑफ वांड्स, यस मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव है इस वक्त, या आपने इस इंसान के साथ अपने गार्ड अप कर दिए हैं, आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो मज़ीद. तो जैसे मैंने आपसे कहा फ्रेंड है, एडमायरर है, ये जो भी हैं, ये लोग डेफिनेटली फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है या लवर है, जो भी है, ये इंसान डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में गार्ड अप हैं, आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो. अब इस इंसान ये जो भी हैं ये आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं आप. या फाइव ऑफ कॉइन्स, कुछ लोग यहाँ पे इसलिए भी आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं. ये क्यों ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उनके पास नहीं हैं. उनके अंदर ये लैक फील होता है, उनको लगता है कि हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, पैसा नहीं है, सक्सेस नहीं है, नाम नहीं है, फेम नहीं है, आपको ये चीज़ें क्यों मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं. तो ये लोग डेफिनेटली या तो यूँ ऑब्सेस्ड हैं, अपनी प्रोजेक्शन जो अपने अंदर उनकी कमी है, इनसिक्योरिटीज़ है, वो आप पे पुट कर रहे हैं, इस तरह से आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं. और कुछ लोगों के लिए ये इंसान रोमांटिकली अगर मैं बात करूं तो ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त हर्ट है और इस इंसान को आपकी ज़रूरत है. मतलब ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपके साथ वो जो टाइम गुजरा वो मिस कर रहा है. इस इंसान को काफ़ी लोनली फील हो रहा है आपके बगैर, लेकिन ये इंसान बोलेगा नहीं अपनी ईगो की वजह से, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ये बोलेगा नहीं इंसान. हो सकता है आप इस इंसान के साथ कहीं वर्क करते थे, फ्रेंड थे पहले, और ये जैसे मैंने कहा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो काफ़ी लोनली फील कर रहा है इस वक्त. आप दोनों के दरमियान में फिज़िकल या इमोशनल डिफरेंस है तो ये इंसान इस चीज़ को मिस कर रहा है. अब एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है. वी हैव द अदर, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, आप लिब्रा हो सकते हैं या लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं. तो देखें आप यहाँ पे अदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप वही चीज़ करें जो फेयर है. अगर इस इंसान ने कोई गलती की है तो आप माफ़ कर दें इस इंसान को, आप खुद रीच आउट करें, उस इंसान की हेल्प कर दें, उसको इतना उसके लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा कि आप ने माफ़ कर दिया है, आपने या आप बैलेंस लेके आओ इस रिलेशनशिप में. अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप माफ़ कर दो, या उन्होंने आपके साथ आपने कुछ गलत किया है तो आप माफ़ी मांग लो, मतलब इस तरह. या अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप इस उस पांच पास्ट वाली चीज़ों को जाने दो. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है किसी को पास्ट वाली चीज़ों को उनकी गलतियों की वजह से माफ़ करना. ये भी हो सकता है कि विद द अदर कार्ड आप वो चीज़ करो जो जस्टिस है, जो फेयर है, जो आपको सही लगे, लेकिन बैलेंस होके आप करें जो चीज़ आपको सही लगती है. आपको लगता है कि अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहिए इस इंसान से और इस इंसान को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, इस इंसान को इस वक्त मेरी यू नो फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, मेरे वर्क की ज़रूरत है, या अगर मेरी कोई थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कर देनी चाहिए इस इंसान की, अगर आपको लगता है तो. लेकिन डिवाइनली गाइडेड है आप, प्लीज़ अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए. मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी गाइड किया जा रहा है यहाँ पे, आपको पता है ये कौन लोग हैं. और जस्टिस यहाँ पे ये भी बात करता है कि देखें आप, आपके लिए जस्टिस ये है कि आपको अदल या इंसाफ आपके लिए ये है. मुझे लगता है कि आपको अदल करना चाहिए या इंसाफ करना चाहिए. आप अपनी सिचुएशन को देख रहे हो कि आपकी क्या आपके साथ क्या हुआ, लेकिन जो इस इंसान के साथ हो रहा है या इस इंसान की मेंटालिटी या इस इंसान के साथ जो हुआ, आप उस पॉइंट से भी आपको देखना चाहिए. यही बैलेंस यहाँ पे जस्टिस की बात करता है कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, फिर बात को समझें. यहाँ पे बैलेंस हो सकता है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है. अगर आप कुछ कर सकते हो या आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो डेफिनेटली डू इट. लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ रही है तो थोड़ा सा वेट कर लें. अगर आपको अपॉलोजी का वेट है, आपको किसी मैसेज का वेट है, आपको लगता है कि मुझे मज़ीद वेट करना चाहिए, तो आपको मज़ीद वेट करना चाहिए. ठीक है, तो जो चीज़ आपको सही लगती है आप वही करें. अगर आपको लगता है कि मुझे रीच आउट करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, डू इट, कर लें बात.
मसले का हल देख लें, आप भी अपने जो गार्ड्स हैं उसको डाउन कर दें, मसले का हल यहाँ पे फिर भी सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता तो टाइम का वेट करें, जब राइट टाइम होगा तब सिचुएशन हील हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। ये जो भी है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फ्रेंड्स को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।